हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल स्कूल। हाँ जी फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में बात करेंगे टाइप ऑफ टास्क वन। एक्चुअली अगर आप आयल्स स्टार्ट कर चुके हो और अपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि टाइप ऑफ टास्क वन क्या होते हैं, कौन से टास्क हैं जो टास्क वन में आते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो फ्रेशर है और जो आयल्स करना चाहते हैं और जो आयल्स की शुरुआत कर रहे हैं। सो उन्हें मैं बता दूं कि राइटिंग में टू टास्क होते हैं, दो तरह के मतलब कि टास्क होते हैं। एक को टास्क वन कहा जाता है, दूसरे को टास्क टू कहा जाता है। जिसमें टास्क वन की बात करें तो इसमें आपको कोई ना कोई डाटा दिया जाता है और उसकी आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, मतलब कि उसे देख कर लिखना होता है इंग्लिश में कि इसमें क्या डिटेल दी गई है। अगर मैं टास्क टू की बात करूँ तो आपको एक ऐसे लिखना होता है, उस पर एक टॉपिक दिया जाता है। लेकिन आज हम टास्क टू की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ टास्क वन की बात करेंगे। तो देखिए, टास्क वन में जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में हो सकता है, उसे कहते हैं टाइप ऑफ टास्क वन। देखिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कि टाइप ऑफ टास्क टू कौन से प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट है उसे बताते हैं लाइन ग्राफ होता है, जो सबसे पहला ग्राफ, पहला नहीं कह सकते लेकिन जो इनमें से होता है पहला एक लाइन ग्राफ होता है। लाइन ग्राफ कैसा होता है ये देख लीजिए, आपके सामने पिक्चर बनी हुई है, इसे लाइन ग्राफ कहा जाता है। आप सभी को मालूम होगा लाइन ग्राफ के बारे में, आप अवेयर होगी। सो यही डाटा आपको कोई ना कोई डाटा है ना, वो लाइन ग्राफ के बारे में दिया जाएगा। एक तरफ मान लो यहाँ पर लिखा जाता है स्टूडेंट्स और यहाँ पर लिखा जाता है क्लास, तो ये डाटा दिया गया है कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, उसकी वेरिएशन दिखाई गई है कि सातवीं में इतने, आठवीं में इतने हैं, नौवीं में इतने हैं, दसवीं में इतने हैं। सो जी उसकी वेरिएशन दिखाई जाती है। आपने इसको इंग्लिश में लिखना होगा कि ये क्या कैसे लिखा जाता है इसे। सो ये लाइन ग्राफ होता है। उसके बाद होता है बार ग्राफ। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसा होता है, जो आपके सामने ये पिक्चर लगी हुई है इसे बार ग्राफ कहते हैं, जो ऐसे बार्स बनी होगी उसमें बार ग्राफ, उसे बार ग्राफ कहा जाता है। इसमें भी कोई फर्क नहीं है, बस डाटा दिया होगा लेकिन उसका फॉर्मेट बार्स में होगा। इस पहले में लाइन में हुआ था, इसमें बार्स में होगा। बार चार्ट को क्या क्या बोलते हैं, पिलर चार्ट कह सकते हैं और पाई कोलम चार्ट कहा जाता है। पिलर चार्ट और कोलम चार्ट हम बार चार्ट को कह सकते हैं, बार ग्राफ को कह सकते हैं। जो थर्ड टाइप का जो चार्ट होता है वो होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट को हम सर्कल चार्ट भी कह देते हैं। उसमें सर्कल में कोई ना कोई डाटा दिया जाता है, वो सर्कल चार्ट कहा जाता है, उसे पाई चार्ट कहा जाता है। सर्कल की फॉर्म में जब डाटा दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, पाई चार्ट कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको क्योंकि इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि इसे क्या कहते हैं। एक्चुअली आपको बताया जाएगा कि ये लाइन बार है, ये लाइन चार्ट है, ये बार ग्राफ है, ये पाई चार्ट है, लेकिन जब आप इंट्रोडक्शन लिखोगे ना तो आपको उसका सिनोनिम यूज़ करना है। जो अपनी वीडियोस आएंगी उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक लाइन ग्राफ को, एक बार ग्राफ को क्या क्या कह सकते हैं हम, इसे कैसे हम अपनी वोकैब में शामिल कर सकते हैं ताकि हम अच्छे बैंड अचीव कर सकें टास्क वन में। सो बात करते हैं फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट जो हमारा चार्ट आता है वो है टेबल। इसे हम टेबल चार्ट भी कह सकते हैं और केवल टेबल भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। सो इट्स इसको कैसा होता है ये टेबल चार्ट, देख लीजिए। टेबल की फॉर्म में कोई ना कोई डाटा दिया होगा, उसे टेबल चार्ट कहा जाता है। ऐसे जब कोई डाटा दिया जाता है जैसे जी दिखाया गया है पिक्चर में, तो टेबल चार्ट कहा जाता है। उसके बाद आता है पिक्चर चार्ट और मैप। इसको पिक्चर चार्ट भी कहा जा सकता है और एक मैप भी कहा जा सकता है। तो ये क्या होता है पिक्चर चार्ट और मैप, देखिए ऐसा इसमें क्या दिखाया जाता है, एक सिटी या तो ज़्यादातर क्या दिखाया जाता है, कोई ना कोई सिटी दिखाई जाती है कि कोई सिटी है, उसका 2001 में क्या था ऐसा नक्शा था और 2010 में क्या हो गया, उसका नक्शा चेंज होकर ऐसा हो गया। तो आपने ये एक्सप्लेन करना है कि उसमें क्या क्या चेंज आए और ये कैसे आए। सो ये सब आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। सो उसी को पिक्चर चार्ट कहा जाता है, कि आपने पिक्चर को देखकर अपने जो टास्क वन है उसे लिखना है। सो ये पिक्चर चार्ट होता है। उसके बाद बात मैं करूँ तो फ्लो और प्रोसेस चार्ट। फ्लो और प्रोसेस चार्ट क्या होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। जैसे ये देख लीजिए, जैसे एक डेमो दी गई है यहाँ पर, जो मान लीजिए जी फर्स्ट बॉक्स है वो फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद सेकंड आता है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। इससे हम वन बाय वन चलते हैं, मतलब कि एक फ्लो दिया जाता है एरो के थ्रू। आपको एरो लगे होंगे वहाँ पर कि इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये। सो ये क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है। आपको वन बाय वन लिखना होता है, स्टेप बाय स्टेप भी। पहले स्टेप में ये हुआ, दूसरे में ये हुआ, तीसरे में ये हुआ। अगर आप दो चार स्टेप स्किप भी कर देते हो तो इसमें आपके डिटेक्ट हो सकते हैं बैंड। लेकिन अगर आपको इतने ज़्यादा स्टेप दे चुके हैं कि आपकी जो वर्ड लिमिट है, इसमें क्या होता है टास्क वन में आपको 150 वर्ड से लेकर 180 वर्ड तक लिखने होते हैं। लेकिन अगर फ्लो चार्ट में अगर आपको इतने मतलब कि स्टेप दे दिए कि आपकी वर्ड लिमिट एक्सटेंड हो रही है, 200 तक जा रही है, तो आप एक आधा स्टेप स्किप कर सकते हो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे आपको।
तो यही होता है फ्लो चार्ट। उसके बाद बात करें कॉम्बिनेशन चार्ट की, तो कॉम्बिनेशन चार्ट क्या होता है? देखिए, कॉम्बिनेशन दो दो ग्राफ का कॉम्बिनेशन होगा, वो क्या हो सकता है? वो लाइन ग्राफ हो सकता है और बार ग्राफ हो सकता है, और उसके बाद वो पाई चार्ट भी हो सकता है और लाइन ग्राफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो चार्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा। पहला चार्ट आपको लाइन ग्राफ में दिया है, दूसरा बार में दिया है, पहला पाई चार्ट में दिया है, दूसरा फिर लाइन में दे दिया, ऐसा कर कर कॉम्बिनेशन होगा। इससे थोड़ा स्टूडेंट्स थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऐसा लिखा जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। पहले आप पहले को एक्सप्लेन कर दो 50 से 60 वर्डों में, फिर जो दूसरा है उसको एक्सप्लेन कर दो। इसमें कंपैरिजन मत करो, क्योंकि अगर कंपैरिजन करने लग जाओगे तो आपको थोड़ा कठिन लगेगा और डिफ़िकल्ट बन जाएगा। सो यही था, यही होता है टास्क में, जो टास्क वन में जो हमारे ग्राफ होते हैं वो 7 टाइप की होते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो किस पर रिलेटेड होगी। देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वीडियो है वो होगी टास्क वन पर रिलेटेड। टास्क वन में कौन सी वकैब है, जो अच्छी वकैब है, जो 7+ बैंड आपको दिला सकती है, वो वकैब हम यूज़ करेंगे और आपको सिखाएंगे कैसे आप अपने सेंटेंस में ये वकैब यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, हम कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर करेंगे। हर स्टूडेंट जानना चाहता है कि वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो 7+ बैंड दिला सकती है। सो ये हम आगे वीडियो आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपके लिए एक अच्छी सलाह दूँ, अगर आपको वोकेबलरी और कम्प्लेक्स में कम्प्लेक्स आप उलझ जाते हो, आपको जो डिफ़िकल्ट लगती है, तो आप अपने टास्क वन को बहुत सिंपल लिखें, क्योंकि अगर आपका टारगेट 6 बैंड है ना, तो वो आपको सिंपल लिखने पर भी आ जाएंगी, अगर आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं है। सो बस यही था, अगर आप 7+ और 6.5 अबव लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो इस सीरीज़ के साथ जुड़ जाएं। वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे, एक एक कर कर 7-8 दिन में। हम पहले तो टास्क की वोकेबलरी करेंगे, और उसके बाद कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और फिर लाइन ग्राफ बार ग्राफ सब डिस्कस करेंगे कैसे लिखा जाता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।